अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए, अम्मी धो रही है सुबह सुबह कपड़ा, क्योंकि आज निकला है थोड़ा सा धूप। और इधर देखिए, मिस्त्रियाँ भी काम कर रही है। और इधर आयु की तबीयत बोल रही है कि अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा शायद ख़राब है, तो इसलिए आयु ऐसे गुमसुम बैठी है। देखिए कैसे बैठी है। और मैं बस हाथ लगाते ही उसकी आंखों में थोड़ा सा उंगली लग गया है, तो ये देखिए पोछ रही है। और अभी देखिए कितना गुमसुम बैठी है, अच्छा नहीं लगता। बच्चों को जब बीमार होते बच्चे तो अच्छा नहीं लगता। इधर देखिए जो मिस्त्रियाँ काम कर रहे, तो वहाँ पे पानी डाला है तो घर में आ गया है, घर के अंदर पानी, तो इतना सारा पानी आ गया है। अम्मी कितना करेगी, तो मैं इधर धीरे धीरे ये उठा लेती हूँ पानी। तो मैं ऐसे मोब से इसको पानी इसकी सारे पानी में ऐसे उठा लेती हूँ और फिर थोड़ा सा पोंछ दूँगी, बस हो जाएगा। अम्मी अकेली अकेली वैसे भी बीमार है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा हेल्प करवा देती हूँ। वैसे भी मैं बैठी रहती हूँ, मेरा तो काम धाम है नहीं, तो थोड़ा सा हेल्प करना तो बनता ही है ना, तो इसलिए। और ये देखिए आयु भी पास आके देख रही है और बातें कर रही है। इधर अम्मी लग गई है मटन कबाब के लिए, मटन को फ्लैट फ्लैट कर रहे हैं सिलबत्ते में। देखिए कैसे फ्लैट करते हैं, और सारे के सारे मटन को ऐसे फ्लैट कर लेंगे और उसके बाद बनाएंगे मटन कबाब। और इसकी रेसिपी मैं डालने वाली हूँ, अच्छे से देखिएगा और आप लोग भी खा के देखिएगा और दूसरों को भी खिलाएगा, बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिलेगी। देखना 100% मैं बोल रही हूँ कि तारीफ ही मिलेगा, कभी कोई कुछ और कुछ नहीं बोलेगा, बस तारीफ ही करती रहेगी। तो ये देखिए पतला पतला फ्लैट कर लिया इसको, सारे के सारे मटन मैंने ले लिया है और इसको रख दिया है साइड में। अभी इसके लिए मसाले तैयार करेंगे, ढेर सारा प्याज और बहुत सारी हरी मिर्चें एक साथ ले लिया है मैंने धो के काट के। और इसमें साथ ही साथ मैं डाल दूंगी खड़े गरम मसाले, जो इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च, बस यही चीज़ें एक साथ मैं पीस लूँगी और उसके बाद ये मसाले तैयार हो जाएगा। और ये दो मैंने तेज़पत्ते भी साथ में ले लिया, पर ये पीसूंगी नहीं, इसको मैं बाद में यूज़ करूंगी। देखना आप लोग मैं कहाँ यूज़ करती हूँ। तो ये हो गया है पेस्ट तैयार, और फिर अभी मैं जाऊंगी रेसिपी की तरफ। तो देखिए कैसे बनाते हैं। कुकर में मैं सारे के सारे मटन को ले लूँगी और उसके बाद जो पिसा हुआ मसाले हैं वो भी डाल दूंगी। तो ये देखिए मैंने सारी मसाले डाल दिया है और पिसा हुआ मसाला, और फिर जो हल्दी मिर्च पाउडर नहीं, बाकी हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, नमक दे दिया है। और अभी मैंने मिक्सी जार को धो के थोड़ा सा पानी दिया है, क्योंकि वैसे भी पानी निकलेगा मटन से। और उसके बाद तेज़पत्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूंगी, डाल के अच्छे से मिला के फिर मैं कुकर को चढ़ा दूंगी गैस पे। अभी सब कुछ डालने के बाद मैंने चढ़ा दिया है गैस पे कुकर को, और 5-6 सीटी आने तक इसको मैं कुक करूंगी। और उसके बाद मैं खोलूंगी तो थोड़ा सा पानी रहेगा, तो फिर से मैं इसको ड्राई करने के लिए कुकर चढ़ा दूंगी। ये देखिए थोड़ा सा पानी रह गया है, तो अभी फिर से मैं कुकर को चढ़ा दूंगी गैस पे, ताकि ये पानी एकदम सूख जाए। और सूखने के बाद इसको तेल में एक एक पीस उठा के फिर फ्राई कर लूँगी। देखिए ये पानी एकदम सूख गया है। अभी मैं चढ़ा दूँगी एक पैन, और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी तेल। तेल में एक एक पीस जो मसाले के साथ मिला हुआ है मटन का, वही मैं एक एक पीस अच्छे से फ्राई कर लूँगी, ताकि पूरी तरह से फ्राई हो जाए।
देखिए अलट पलट के अच्छे से फ्राई करना पड़ता है। तो इसको फ्राई करने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ देखिए, ये देखिए फ्राई हो गया है। तो मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में, अभी फिर से पैन में थोड़े सी तेल दे दूंगी और उसके बाद तेल में दे दूंगी ढेर सारा प्याज और हरी मिर्चें, बस ये और कुछ नहीं चाहिए। तो इसको थोड़ा सा कुक करूंगी, पहले एकदम थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा नमक दे दिया है क्योंकि प्याज और पहले मटन में दिया था और अभी प्याज के लिए थोड़ा सा नमक तो ज़रूरी है, तो वही दे दूंगी और दे दिया है मैंने। और अभी इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे और फिर दे देंगे सारे के सारे मटन की जो पीसेस मैंने फ्राई करके रखा है वही दे दूंगी। मटन के पीसेस डालने के बाद प्याज के साथ एक साथ इतना फ्राई कीजिए कि जब तक इसकी कलर ब्राउन ना हो जाए, प्याज ब्राउन हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा कबाब रेडी। और ये कबाब बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही पसंद करते हैं हर कोई, और ये मैंने कभी कहीं और नहीं खाया, बस हमारे फैमिली में ही बनता है, तो ये बहुत ही हमारे फैमिली की स्पेशल कबाब है। तो अगर आप लोगों ने कहीं और खाया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी रेसिपी को देख के बना के खिलाइएगा लोगों को, खुद भी खाइएगा और फिर कमेंट में ये भी बताइएगा कि कैसा लगता है, जिसने पहले बार खाया इसको कैसा लगा है, किसको कैसा लगा है, तो वही कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और आप लोग कमेंट में बताते हो तो अच्छा लगता है रेसिपी शेयर करना, बाकी मैं तो बता सकती हूँ, बस कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पर आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोग अगर मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो पसंद करते हो, मुझे और मेरी बेटी को पसंद करते हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए आप लोगों से बात करते करते हो गया है शाम और आयु ने निकाला ये पैकेट जिसमें किशमिश है, थोड़ा सा बचा हुआ है यहाँ पे, जो डब्बे में अम्मी ने डाल दिया था उसमें से थोड़ा सा बच गया है, तो ये अम्मी ने कहाँ रखा था, और यह आयु निकल के लेके आई और फिर वो खाने भी लगी है, मुझे भी बोल रही है मम्मा खाओ ये देखिए किशमिश। और अभी साथ ही साथ और कुछ निकाल के लाया है, देखिए यह क्या है, यह है आंवले का मुरब्बा जो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और आयु को लास्ट ईयर अब्बा आए थे तो लाए थे, आयु को बहुत ही पसंद आया था, तो इसलिए अब्बा ने बोला नहीं हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और इसको भी पसंद है, सबको पसंद है तो ले लेते हैं, तो वही लेके आया। तो ये देखिए मैंने बोला आयु खाओ, तो बोल रही है नहीं मम्मा मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं वही खाऊँगी, और अभी ये खाने लगी है। और इसकी नाटक देखिए, हमेशा इसकी नाटक, इसकी एक्टिंग देखते देखते हमें खुश करके रखता है। जिसके घर में बच्चे हैं वो जितना भी टेंशन में हो अच्छा ही लगता है, नसीब वालों को बच्चे मिलता है, और जिसके घर में बच्चे होते हैं उनको कदर नहीं होता, और जिसके घर में बच्चे नहीं होते उनको पता है कि बच्चा कितना ज़रूरी है घर में, और बच्चे के लिए लोग तरसते रहते हैं, तो अल्लाह जिसके घर में बच्चे नहीं हैं उन लोगों को बच्चे नसीब करें। और
फिर इधर देखिए, मैं दिखा रही हूँ मेरे उंगली जो कल जल गया था, और मैंने लगाया था कॉलगेट। जो पुराने वाले जो कॉलगेट होते हैं वाइट वाला, वो बहुत अच्छा रहता है, उससे आपका नामो निशान तक नहीं रहता। पर ये साथ में वाइट और ब्लू जो कॉलगेट होता है वही मैंने लगा दिया है, तो इसने काम ही नहीं किया। ये देखिए मेरा उंगली, ये देखिए मेरे जैसे पुराना वाला लगाइएगा, नया वाला मत लगाइएगा, नहीं तो मेरे जैसा ऐसा काम नहीं करेगा, तो पुराना वाला ज़रूर काम करेगा। ये मेरी तरफ से एक टिप्स है आप लोगों के लिए, और अभी खुदा हाफिज़।